नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मंगलवार दोपहर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान घायल हो गई। उन्हें बाएं कंधे, कमर और पैर में चोट पहुंचने की खबर है। इलाज के लिए उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स उनकी जांच कर रहे हैं। लो विजिबिलिटी के कारण ममता के हेलीकॉप्टर की सिलगुड़ी के पास सेवोक एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। वे जलपाईगुड़ी के क्रिंटी में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद बागडोगरा जा रही थी। डीजीसीए ने हादसे पर कहा कि सीएम ममता हेलीगो चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के इसी 145 हेलीकॉप्टर पर सवार थी। बागडोगरा में भारी बारिश और बादलों के काफ़ी नीचे होने के कारण हेलीकॉप्टर को सेवोक डाइवर्ट कर दिया गया। वहां सेना का हेलीकॉप्टर बेस है। वहां हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई, यह प्रिकॉशनरी लैंडिंग थी। इस घटना के बाद फैसला किया गया कि ममता सड़क मार्ग से बागडोगरा हवाई अड्डे तक जाएंगी और वहां से कोलकाता की उड़ान भरेंगी। ममता पंचायत चुनाव प्रचार के लिए राज्य के उत्तरी हिस्से में अनेक क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। राज्य में पंचायत चुनाव के लिए मतदान 8 जुलाई को होगा। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।